डियर वेलकम बैक टू माई चैनल। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लैपिंग लेंथ। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लैपिंग लेंथ कितना मिनिमम होना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, और नहीं देंगे तो क्या क्या इश्यूज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपिंग मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ टू बार्स साइड बाई साइड टू सेफली ट्रांसफर ऑफ लोड्स फ्रॉम वन बार टू अनदर। ओके, द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन टू बार्स इज कॉल्ड लैपिंग लेंथ। तो ये वाला फोटो देखो, ये कैसे ओवरलैप हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, मीनिंग क्या बोल रहा है ना, लैपिंग मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ टू बार्स साइड बाई साइड। तो ये एक वन साइड, ये दूसरा साइड है, तो साइड बाई साइड हमको उसको ओवरलैप करना है। और किसके लिए, कौन से पर्पस में, तो लोड ट्रांसफर करने के लिए एक बार टू अनदर, मतलब ये बार में जो लोड आ रहा है ये बार से ये बार को ट्रांसफर होने के लिए जो हम लैप करें, ओवरलैप करें, उसको लैपिंग बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन टू बार्स इज कॉल्ड लैपिंग लेंथ। ये कितना यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये मार्क दोनों मार्क देखिए, तो वो है हमारा लैपिंग लेंथ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइड लैपिंग लेंथ क्यों चाहिए हमको, टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द लेंथ ऑफ बार्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज 12 मीटर स्टील बार्स आर अवेलेबल। जनरली हम लोग जो भी परचेस करते हैं ना स्ट्रेट बार्स, 12 मीटर का आता है। और ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट नीड टू बी एक्सटेंडेड मोर देन 12 मीटर देन द लैप ऑफ द बार इज इक्वल। अगर 12 मीटर से ज्यादा है, हमारा स्ट्रक्चर है 40 मीटर का, 30 मीटर का, 20 मीटर का, तो उसमें मुझे 12 मीटर का और तो नहीं होगा ना, उसमें मुझे लैपिंग लेना पड़ेगा। और एक क्या पॉइंट है, खाली लेंथ के लिए नहीं है, डायमीटर के लिए भी होता है। देखते हैं, लैप लेंथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वेन द बार डायमीटर हैज टू चेंज्ड अलोंग द लेंथ। तो क्या होता है, कॉलम का एक एग्जाम्पल है, कॉलम का बार नीचे से आ रहा है 25 में, ऊपर आके वो रिड्यूस होकर 20 हो जा रहा है। तो वो कंडीशन में क्या होगा कि हमको लैपिंग देना पड़ेगा, जो कट होना जहाँ तक 20 mm आया वहाँ कट करके फिर हमको लैप करके उसके नीचे से फिर से लेके जाना पड़ेगा लैपिंग में प्रोवाइड करके। तो डायमीटर चेंज होने से भी लैपिंग हमको देना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट फॉर इम्प्रॉपर लैपिंग लेंथ। इन एब्सेंस ऑफ लैपिंग लेंथ द लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म विल फेल व्हिच इवेंचुअली लीड टू फेलियर द स्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो इफ वी प्रोवाइड लेस लैप देन द लैप इज रिक्वायर्ड फॉर द रिइन्फोर्समेंट बार स्प्लिट एंड द क्रैक कैन बी जनरेटेड। तो क्या बोल रहे हैं, अभी अगर हम लोग बराबर से लैप नहीं देंगे तो जो हमारा लैप जो लोड ट्रांसफर होने वाला जो मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, तो वहाँ से वो स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है या तो ऐसे क्रैक भी आ सकता है, वो जैसे मतलब रॉड को बेंड करके वो वहाँ से क्रैक भी आ सकता है। ठीक है, तो वो लैपिंग हमको जरूरी है। चलिए आगे देख चल देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लैपिंग लेंथ। लैप स्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। फॉर लार्जर डायमीटर्स बार मे बी वेल्डेड। तो 36 mm से जो ज़्यादा बड़ा डायमीटर का रहेगा बार, उसमें हम लोग वेल्डिंग करेंगे, इसमें लैप नहीं करेंगे इसे। ठीक है, लैप स्लाइसेस नहीं देंगे। और क्या बोल रहे हैं, इन केस वेयर वेल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल, लैपिंग ऑफ द बार्स ऑफ लार्जर 36 mm इज परमिटेड। बट किस केस में, कि आपको स्पाइरल में बाइंडिंग करना पड़ेगा। इन दिस केस एडिशनल स्पाइरल शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द लैप्ड बार्स। तो 36 mm से ज़्यादा रहेगा तो हमको पहले वेल्डिंग करने को कोशिश करना है, जहाँ वेल्डिंग प्रैक्टिकेबल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमको ऐसे ऐसे करके एडिशनली स्पाइरल बाइंडिंग देना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हमको और क्या करना चाहिए, लैप स्लाइसेस शुड बी कंसिडर्ड एज स्टैगर्ड। हमको स्टैगर्ड ही रखना है, हमने पहले भी वीडियो में देखे हुए स्टैगर्ड करना चाहिए लैपिंग। तो स्टैगर्ड किस तरह से होने से स्टैगर्ड कंसिडर किया जाएगा, इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्लाइसेस इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स ऑफ द लैप लेंथ। अभी देखो, ये एक लैप है, ऊपर वाला एक नीचे वाला लैप, इसको स्टैगर्ड माना जाएगा। किस कंडीशन में माना जाएगा, अगर ये लैप का सेंटर और ये एक लैप का सेंटर अगर 1.3 मल्टीपल्स होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर वाला लैपिंग 1 मीटर का है और ये 1 मीटर का है, तो इन दोनों के बीच में 1.3 मीटर का अगर डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सेंटर से ये सेंटर तक अगर 1.3 मीटर रहेगा, तो ये हमको इसको मानेंगे स्टैगर्ड, हमको स्टैगर्ड ही रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लैपिंग कितना मिनिमम होना चाहिए। लैप लेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन शैल बी डेवलपमेंट लेंथ एंड और 30 डी। ओके ना, पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, फ्लेक्सुरल टेंशन क्या होता है। ये देखो, बीम के ऊपर से आया तो फ्लेक्सुरल टेंशन ऐसा आ गया। तो अगर ऐसे फ्लेक्सुरल टेंशन आता है तो हमको डेवलपमेंट लेंथ जितना होगा या फिर 30 डी जो होगा उतना हमको लैपिंग लेंथ देना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है, उसके पहले हम लोगों ने बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और जो नहीं देखे उसको मैं लिंक को शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन में, आप उसको देखिए, नहीं तो मैं आई बॉटम में भी दे रहा हूँ। तो वो जो एल डी लेंथ है वो लेंथ मिनिमम आना चाहिए, अदरवाइज 30 डी। 30 डी मतलब क्या, अगर बार का डायमीटर 20 mm हुआ, 20 × 30 तो 600 mm मिनिमम होना चाहिए, या तो एल डी लेंथ होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा होगा हमको उतना रखना पड़ेगा। तो वैसे ही डायरेक्ट टेंशन में भी वैसा ही है, 2 LD और 30 डी, मतलब डायरेक्ट टेंशन से दोनों से दोनों एंड से पूरा डायरेक्टली खींचा जा रहा है। तो उसमें क्या, 2 LD हो जाएगा या फिर वही 30 डी, मतलब 600 mm जो होगा हमारा ज़्यादा उसको हम ले लेंगे।
ठीक है। और डायरेक्ट लास्ट में आते हैं कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या होगा, जैसे कॉलम है ना, जिन्हें कॉलम केस वगैरह में कंप्रेशन आता है, तो दोनों एंड से कंप्रेशन में है, तो वहाँ क्या होगा 24D और LD। LD जो होगा, LD तो हमने वीडियो में देखे, हम डिस्कशन किए हुए थे पहले, उसको थोड़ा देखिए जैसे समझ में आएगा। LD लेंथ और 24D मतलब 4480, ओके ना। तो उतना हमको तीन अलग अलग ऑप्शन में करना है, एक है फ्रेजल टेंशन, डायरेक्ट टेंशन, और उसके बाद क्या हो गया हमारा कंप्रेशन। तो तीनों में ये हमको अलग अलग ऑप्शन है, कितना कितना हमको लैपिंग लेंथ देना है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।